दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2024 का इंतजार सभी भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। और भाई आपको पता है कि आईपीएल के आगाज में बिल्कुल थोड़ा सा समय बचा है। 22 मार्च 2024 से आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन का आगाज होने के लिए जा रहा है और आईपीएल 2024 की सभी डिटेल्स A to Z हर डिटेल फिलहाल रिवील हो चुकी है, जहां पर आईपीएल का शेड्यूल, सभी टीमों के फाइनल स्क्वाड्स, टाइमिंग, लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स सब कुछ यहां पर बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर देखने को मिल चुका है। और भाई अब सभी को बेसब्री से इंतजार था अपनी अपनी फेवरेट टीम की जर्सी देखने का। और आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली लगभग 10 की 10 टीमों ने आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपनी अपनी नई जर्सी को लॉन्च कर दिया है, जिनमें से 5 टीमों ने तो टोटली अपनी जर्सी को पूरी तरह से बदल दिया है। और इस वीडियो में हम आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों की फाइनल जर्सी को बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि भाई कौन कौन यहां पर अबकर अब की बार प्रिंसिपल स्पॉन्सर होने वाला है, कौन यहां पर चेस स्पॉन्सर है, कितने कितने करोड़ रुपए में यहां पर सभी टीमों की डील्स हुई हैं, यानी भाई किस तरह से यहां पर जर्सी को कस्टमाइज किया गया है। सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से यहां पर आईपीएल 2024 के लिए होम एंड अवे जर्सी रूल को लाने के बारे में बीसीसीआई ने विचार किया था, लेकिन ऑन द लास्ट टाइम यहां पर यह जो विचार था, यह जो प्लानिंग थी, टोटली यहां पर कैंसिल करनी पड़ी और बिल्कुल सेम जर्सी के साथ हमें आईपीएल 2024 के सभी मैचेज फ्रेंचाइज खेलती हुई नजर आने वाली है। हालांकि एक दो जर्सी आपको पता है अभी आरसीबी ग्रीन जर्सी पहनती है, एक दो टीम और भी यूनिक जर्सी का इस्तेमाल करते हैं सोलो मैच के लिए, वो हमें अब की बार भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट वन बाय वन हम आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों की फाइनल जर्सी को रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माही सेना चेन्नई सुपर किंग के बारे में। जी हां, आईपीएल 2024 के लिए सबसे पहले यहां पर चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी ने अपनी जर्सी को लॉन्च किया था। इनकी जर्सी सीरियसली दिखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हां, आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए सीएसके टीम की जो नई जर्सी, उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहेंगे, जहां पर हल्के से टेक्सचर्स में इन्होंने चेंजेस किए हैं, शेडिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, कलर शेडिंग यहां पर थोड़ी सी चेंज की है। दिखने में यह जर्सी सीरियसली बहुत ही लाजवाब यहां पर है। इनके स्पॉन्सर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इनका भाई मेन स्पॉन्सर, प्रिंसिपल स्पॉन्सर टीवीएस एरो ग्रुप टायर्स रहने वाला है। वही हम बात करते हैं चेस्ट स्पॉन्सर के बारे में, तो चेस्ट स्पॉन्सर यहां पर गल्फ कंपनी रहने वाली है। तो दोस्तों कुछ ऐसी आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए माही सेना चेन्नई सुपर किंग टीम की नई जर्सी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम यहां पर है मुंबई इंडियंस की टीम। जी हां, मुंबई इंडियंस ने भी सीरियसली आईपीएल 2024 के लिए काफी इंटरेस्टिंग, काफी आपको को सुहावनी, मतलब थोड़ी सी दिखने में काफी अट्रैक्टिव जर्सी इन्होंने नेक्स्ट एडिशन के लिए तैयार की है। जी हां, जर्सी को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर दिखने में जर्सी जितनी ज्यादा सिंपल दिखाई दे रही है वही उतने ही चेंजेस यहां पर किए गए हैं। जी हां, दो बड़े चेंज इन्होंने किए हैं पूरी जर्सी में, टेक्सचर्स को ला दिया, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ इन्होंने साइड स्ट्रिप्स में भी कुछ चेंजेस किए हैं और भाई हल्का सा कलर शेडिंग में थोड़ा सा माइनर सा फर्क यहां पर इन्होंने डाला है। इनके स्पॉन्सर्स के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, तो इनका मेन स्पॉन्सर, प्रिंसिपल स्पॉन्सर यहां पर आपकी वही कंपनी स्लाइस कंपनी रहने वाली है। वही चेस्ट स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, तो लास्ट एडिशन की तरह अब की बार भी IDFC बैंक इनका चेस्ट स्पॉन्सर यहां पर बना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी हां, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी सीरियसली आईपीएल 2024 के लिए काफी अट्रैक्टिव जर्सी को लॉन्च किया। हालांकि इन्होंने पहले युजवेंद्र चहल के माध्यम से प्रैंक भी किया, सभी ऑडियंस को थोड़ा सा पागल भी बनाया। जी हां, बिल्कुल यूनिक सी छपरीज वाली जर्सी इन्होंने सबसे पहले दिखाई थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी ओरिजिनल जर्सी को रिवील किया। जी हां, इस टीम की राजस्थान रॉयल्स की जो ओरिजिनल जर्सी है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर हल्का सा टेक्सचर में चेंज किया गया है। जो डॉट्स यहां पर है, इन डॉट्स की पहले मतलब पहले कम डॉट्स थे, अब यहां पर थोड़े से ज्यादा डॉट्स डाले गए, जिससे जर्सी थोड़ी सी और ज्यादा अट्रैक्टिव यहां पर लग रही है। हल्का सा बैक साइड भी इन्होंने यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है। और भाई इनके स्पॉन्सर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो भाई इनका मेन स्पॉन्सर यहां पर अल्यूमिनियस कंपनी रहने वाली है। वही हम चेस्ट स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, तो नियोन कंपनी आईपीएल 2024 के लिए इस टीम की चेस्ट स्पॉन्सर होने वाली है।
खिलाड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, और हैदराबाद की टीम ने पहले ही ऐसा ऐलान किया था कि वे अब की बार हम बिल्कुल यूनिक जर्सी के साथ आईपीएल 2024 में उतरेंगे, और जो बात उन्होंने कही थी बिल्कुल उसी बात पर वे खरे उतरे हैं। जी हाँ, SAT20 मतलब अफ्रीका में जो मिनी आईपीएल होता है उसमें जिस जर्सी का इस्तेमाल यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप की जर्सी यूज करती है वही बिल्कुल सेम टू सेम जर्सी अब की बार इन्होंने आईपीएल 2024 में अप्लाई किया। जी हाँ, इनकी नई जर्सी को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर पूरी ही जर्सी में हमें प्रिंट्स ही प्रिंट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी तड़कती भड़कती जर्सी इन्होंने आईपीएल 2024 के लिए तैयार की है, और भाई सीरियसली इन्होंने जैसा बोला था कि भाई हम बिल्कुल यूनिक जर्सी बनाएंगे, बिल्कुल यूनिक जर्सी लेकर ये आईपीएल 2024 में उतर रहे हैं। इनके स्पॉन्सर्स के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, तो इनका मेन स्पॉन्सर यहां पर ड्रीम इलेवन कंपनी रहने वाली है। वही चेस्ट स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, तो कूही कंपनी आईपीएल 2024 के लिए इस टीम की चेस्ट स्पॉन्सर होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है गुजरात टाइटंस की टीम। जी हां, गुजरात टाइटंस ने भी अपनी जर्सी को लॉन्च कर दिया है। इन्होंने भाई पहले ही बोल दिया था हम कोई खास बड़े चेंजेज यहां पर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सीरियसली इन्होंने कुछ बड़े चेंजेज अपनी जर्सी में किए हैं आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए। गुजरात टाइटंस टीम की जो नई जर्सी है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर भाई टेक्सचर्स में तो कोई खास कोई बड़ा चेंज यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर जो स्ट्रिप्स है स्ट्रिप्स का कलर बदल दिया गया है, थोड़ी सी लाइटिंग हमें यहां पर दूर से देखने में फील हो रही है, जो जर्सी को सीरियसली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव यहां पर बना देती है। आईपीएल 2024 के लिए इस टीम के हम स्पॉन्सर जर्सी स्पॉन्सर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनका मेन स्पॉन्सर यहां पर ड्रीम इलेवन प्रिंसिपल स्पॉन्सर रहने वाला है। वही चेस्ट स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, तो आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए कैप्री जींस कंपनी ने इनको स्पॉन्सर यहां पर किया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है पंजाब किंग्स की टीम, और पंजाब की टीम ने ऐसा ऐलान किया था कि भाई हम भी बिल्कुल यूनिक जर्सी आईपीएल 2024 में लेकर उतरेंगे, लेकिन भाई जिस तरह से हैदराबाद ने पूरी जर्सी को यहां पर बदल दिया उस टाइप का कोई खास चेंज अभी पंजाब की तरफ से देखने को मिला नहीं है। फाइनली इन्होंने आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपनी नई जर्सी को लॉन्च कर दिया है। जर्सी आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर एक होल्डिंग के जरिए शिखर धवन की होल्डिंग के जरिए इन्होंने यहां पर अपनी नई जर्सी को रिवील किया है, लॉन्च किया है, अनवील किया है। इनकी जर्सी आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर टेक्सचर्स में सीरियसली बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस इन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन वही वो बात नहीं है जिस तरह से हैदराबाद ने पूरा तख्ता पलट करके दिखा दिया, वो बात हमें पंजाब की जर्सी में देखने को नहीं मिली है। इनके स्पॉन्सर्स के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, तो भाई आईपीएल 2024 के लिए इनका मेन स्पॉन्सर प्रिंसिपल स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन रहने वाला है। वही चेस्ट स्पॉन्सर की बात करते हैं, तो चेस्ट स्पॉन्सर यहां पर आपकी यहां पर कैंट कंपनी होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हां, दिल्ली की नई जर्सी का इंतजार सभी को बेसब्री से था, पर भाई फाइनली आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए आईपीएल 2024 के लिए इन्होंने भी अपनी नई जर्सी को यहां पर लॉन्च कर दिया है। जर्सी में कोई इन्होंने बड़ा चेंज यहां पर किया नहीं है, वही दो कलर कॉम्बिनेशन ब्लू एंड रेड के साथ जिस तरह से लास्ट एडिशन में इन्होंने अपनी जर्सी को लॉन्च किया था बिल्कुल वही सेम टू सेम सी जर्सी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। केवल यहां पर एक टाइगर के फेस को ऐड किया गया हल्का शेड डालकर, और भाई जर्सी आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छी तरह से देख ही पा रहे होंगे, दिखने में सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार हमें दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी देखने में लग रही है। इनके हम मेन स्पॉन्सर एंड चेस्ट स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, तो आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए इनके मेन स्पॉन्सर होने वाले हैं JSW ग्रुप। जी हाँ, पिछले काफी टाइम से इस टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और भाई इन्होंने रिसेंटली रिवील भी किया था कि इनको बहुत बड़ा बेनिफिट भी आईपीएल से YYM। इनके चेस्ट स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, तो APL अपोलो कंपनी यहां पर आईपीएल 2024 के लिए टीम दिल्ली कैपिटल्स की चेस्ट स्पॉन्सर होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और फाइनली यहां पर फाइनली तो नहीं बल्कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक यहां पर आईपीएल 2024 के लिए KKR की फ्रेंचाइजी ने अपनी जर्सी को लॉन्च नहीं किया, लेकिन इन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा बता दिया कि कब वो अपनी जर्सी को लॉन्च करेंगे। उन्होंने ऐसा बोला कि हम एक स्पेशल इवेंट को होस्ट करेंगे, जहां पर हमारे कप्तान साहब सुरेश अय्यर आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए नई जर्सी को लास्ट एडिशन की तरह लॉन्च करते नजर आएंगे। और इस इवेंट के बारे में डेट्स के बारे में डिस्कशन किया गया, तो वहां पर KKR की मैनेजमेंट ने, KKR की फ्रेंचाइजी ने ऐसा बोला कि भाई थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, रणजी ट्रॉफी वो फिलहाल खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में उनको पार्टिसिपेट करने लीजिए, और उसके जस्ट बाद जैसे ही रणजी ट्रॉफी का फाइनल खत्म होगा उसके एक दो दिन के बाद KKR की फ्रेंचाइजी अपनी नई जर्सी को लॉन्च कर देगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम और आरसीबी की जर्सी का इंतजार सीरियसली सभी फैंस बेसब्री से कर रहे थे। लेकिन भाई फाइनली यहां पर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर भाई आपको पता है कि हर साल आरसीबी की टीम अपने इवेंट्स को, अपने लोगो वगैरह, मतलब कोई भी चेंज इनको करना होता है तो हर साल ये एक इवेंट होस्ट करते हैं, आरसीबी अनबॉक्स का उसको नाम दिया जाता है, उसकी टिकट्स बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, एट द एंड फैंस को सीरियसली खुश भी करते हैं। और ऐसा भी क्लेम किया जा रहा है कि अब की बार विराट कोहली खुद यहां पर अपनी जर्सी को रिवील करेंगे। जी हां, 19 मार्च वह तारीख है जिस तारीख को आरसीबी टीम का अनबॉक्स इवेंट होने वाला है, 19 तारीख को आरसीबी की टीम भी अपनी ऑफिशियल जर्सी को लॉन्च कर देगा। तो दोस्तों कुछ ऐसी अपडेट्स आईपीएल 2024 की जर्सीज को लेकर, जी हां 7-8 टीमों ने लॉन्च कर दिया है, 2-3 टीमों की जर्सी लॉन्च होनी अभी भी बाकी, और जैसे यहां पर सभी टीमों की फाइनलाइज जर्सी हमें देखने को मिल जाती है तो एक बार फिर से एक स्पेसिफिक वीडियो आपको अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इन सभी टीमों में से आपको कौन सी टीम की जर्सी लगी सबसे बेस्ट, मुझे तो पर्सनली यहां पर दिल्ली कैपिटल्स और आपकी यहां पर मुंबई इंडियंस की जर्सी दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन आपको कौन सी टीम की जर्सी लगी सबसे बेहतरीन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की छोटे बजे इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके ट्रेंड इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।